कार्वी स्कैम नाम तो सुना ही होगा, चलिए इस स्कैम को डिटेल में समझते हैं। कार्वी एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी थी जिसके पास 2.5 लाख का कस्टमर बेस था और कार्वी ने यहाँ पर अपने कस्टमर्स के शेयर्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद उन शेयर्स को प्लेज रखकर यानी कि गिरवी रखकर उन पर लोन लिया और इस लोन के अमाउंट को अपने ही कंपनी कार्वी रियल्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से कार्वी ब्रोकिंग ने अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2019 के बीच करीब 28 करोड़ रुपए कार्वी रियल्टी को ट्रांसफर किए। अकॉर्डिंग टू सेबी कस्टमर्स के जो शेयर्स हैं उस पर सिर्फ कस्टमर्स की ही ओनरशिप है जिसे कोई भी ब्रोकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। कमेंट्स में आप अपने ब्रोकर का नाम जरूर लिखें और ऐसे स्कैम स्टोरीज को शॉर्ट में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।